सो पीसीओ का मैं यही बता रही थी कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शायद एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, बट जितना अदरवाइज है प्रैक्टिकल लाइफ में, व्हेन यू विल बी सिटिंग इन योर क्लिनिक या अभी भी जो चीज को कर रहे हैं, 80% पेशेंट्स वहाँ पे आप पीसीओ से डील कर रहे हैं। हमारे तो अब ये ट्रेंड बन चुके हैं, सॉरी प्लीज साइलेंट पे आप सबको म्यूट पे करूंगी क्योंकि वो बहुत डिस्टर्बेंस बीच में अदरवाइज हो रही है। वो इस वजह से भी हो चुका हुआ एक ट्रेंड, क्योंकि हर एक के आप देखेंगे कि अल्ट्रासाउंड के ऊपर इवेंचुअली पीसीओ लिख के दे दिया होता है और फिर पेशेंट बहुत परेशान। आई हैव सीन पेशेंट गेटिंग डायग्नोस्ड के अल्ट्रासाउंड पे पीसीओ लिखा हुआ है, मैंने खुद अपने क्लिनिक पे ये चीज फेस की है। तो पीसीओ का एक ठीक कॉन्सेप्ट होना बहुत जरूरी है कि ताकि वही चीज आप लोगों में कन्वे कर सको। अनफॉर्चुनेटली हमारे कंट्री में जितना ये कॉमन तो है एशियंस में, इसका गलत कॉन्सेप्ट बहुत है, इवन इन द जीपीज एंड द फिजिशियंस एंड अदर पीपल, जिसकी वजह से बेचारी जो पेशेंट्स है वो बे इंतहा बुरा सफर करती है, क्योंकि उनको किसी डॉक्टर ने कुछ कह दिया होता है अबाउट द पीसीओ और फिर इन लॉज एंड ऑल वो पता नहीं क्या क्या समझ के और खुद भी। तो पीसीओ को प्लीज बहुत ही अच्छी बुक से पढ़ो, उसी तरह जैसे मैं कहती हूँ कि एनीमिया का कोई जगह ना छोड़ो कॉन्सेप्ट की बेस तक जाने में, फाइब्रोइड फर्टिलिटी, इसी तरह पीसीओ, पीसीओ को सिर्फ ओवेरियन ओवरी रिलेटेड या सिर्फ फर्टिलिटी रिलेटेड नहीं करके करना। पीसीओ इज अ वेरी वाइड वास्ट सिंड्रोम, उसकी हर कॉन्सेप्ट, इफ यू आर डीलिंग विद अ एक्सेसिव हेयर ग्रोथ स्किन चेंजेस यू शुड नो एग्जैक्टली कि कहाँ से क्या हार्मोन आ रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रही है, कहाँ से इंसुलिन बाइंडिंग है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर और हाइपर इंसुलिनीमिया है, वो किस तरीके से जाके थीका सेल से कौन से हार्मोन आ रहे हैं, कहाँ पे एक्ट कर रहे हैं, किधर से हर्सिटिज्म क्यों हो रहा है उन फीमेल्स के अंदर, एंड देन यू शुड नो एग्जैक्टली कि जो मेडिकल सिंड्रोम इससे रिलेटेड क्या है, इसकी जेनेटिक इम्पोर्टेंस क्या है पीसीओ की, एटसेट्रा एटसेट्रा। क्योंकि अगर ये सारा कॉन्सेप्ट आपको नहीं है तो देर इज नो डिफरेंस बिटवीन यू एंड अ पर्सन हु इज सिटिंग इन द पेरिफेरी, हु इज मे हु मे नॉट बी अ गायनेकोलॉजिस्ट, जो कि एक स्पेशलिस्ट शायद ना भी हो लेकिन वो क्लिनिक कर रहे हैं। सो जब तक आपको इसके प्रेजेंट और फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस का एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट नहीं है तो फिर आप शायद एज जीपी प्रैक्टिस कर लो तो काफी, ठीक है। तो इसलिए पीसीओ जो है इसको आपने इसलिए इतनी अच्छी तरह से करना है, जिस तरह मैंने कहा कि मेरे गलत कॉन्सेप्ट्स के पीछे एक फीमेल को लिटरली आई हैव सीन अ पेशेंट गेटिंग अ डिवोर्स बिकॉज उसके स्कैन पे और उसका एक डायग्नोसिस पीसीओ लेबल हुआ हुआ था। अगर वही कॉन्सेप्ट ठीक तरीके से दे के पेशेंट को किया जाए तो शायद बहुत सारे, बिकॉज ऐसी कोई खुदा ना खासा, इट्स नॉट, इट्स आई डोंट रियली थिंक कि हमें, बिकॉज जहाँ इतनी पॉपुलेशन में पीसीओ आ जाए, इट इज नॉट इवन, इट्स नॉट अ डिजीज एक्चुअली, ये एक ऐसा सिंड्रोम है जो कि 100% रिवर्सेबल भी है और उसको रिवर्स करने का बहुत आसान तरीका। इट्स नथिंग कि आप 100% इनफर्टाइल लेबल हो जाओ, इट्स नथिंग कि आप 100% डी शेप्ड से लेबल हो जाओ कि अब इसका वापस नॉर्मल इसकी बॉडी की शेप ही नहीं आ सकती, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो या हाइपर एंड्रोजनिज्म हो गया तो हाइपर टेस्टोस्टेरोन लेवल ज्यादा हुआ हुआ है तो पता नहीं इसका क्या, इसको क्या लेबल कर दिया जाए। सो जब तक आपको ये सारे हॉर्मोन्स का कॉन्सेप्ट नहीं होगा, प्रेजेंट प्रेगनेंसी रिलेटेड और फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस नहीं पता होंगे, देर इज नो पॉइंट के फिर आप, वही बात है कि फिर फर्क नहीं रह जाता। सो पीसीओ को इसलिए ये सारे एस्पेक्ट से समझ के पढ़ के जब तक आप एग्जाम में नहीं जाओगे, एग्जाम में नजर आ जाएगा। अगर पेशेंट फर्टिलिटी विद पीसीओ के साथ है लेकिन यू डोंट हैव द रियल कॉन्सेप्ट एंड पेशेंट इज देयर हु इज कंप्लेनिंग कि चलो सब फर्टिलिटी तो है बट शी इज हैविंग एक्सेसिव हेयर ग्रोथ एज वेल, एंड यू डोंट नो एग्जैक्टली कि आपने उस हेयर ग्रोथ को किस तरह से लेके जाना है, या आप या उसका बेसिक, वो आपके शुरू से या आपकी हिस्ट्री से ही कॉन्सेप्ट एग्जामिनर को समझ आ जाता है कि ये जीपी वाली बातें करिए या ये एफसीपीएस गायनी वाली बातें करिए। सो जिसकी जो फील्ड है वो उसी चीज का एक्सपर्ट हो और वो फिर सही वाला एक्सपर्ट हो तो ही ठीक है। तो इसलिए पीसीओ भी बहुत एक सेंसिटिव टॉपिक है फॉर गायनेकोलॉजिस्ट, जैसे एनीमिया एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है जिसमें बहुत मुश्किलों से पास किया जाता है,
इस तरह पीसीओ भी इज वन ऑफ देम, बिकॉज शायद हम पीसीओ को बहुत ही फोकस्ड बस पढ़ के नहीं जाना, उसको हर तरह का कॉन्सेप्ट लेके जाना है, ताकि अगर एग्जाम में जैसे प्रोलैप्स में अगर आपको एनाटॉमी का पूरा नहीं क्लियर, कहीं ना कहीं फंस जाओगे उसके स्टेशन में। इसी तरह अनीमिया में कहीं ना कहीं बंदा फंस सकता है। सिमिलरली इन पीसीओ, पीसीओ इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट, सो वो प्लीज क्लियर करके जाना। सो ठीक है, सो वी कैन स्टार्ट विद मारियो। ठीक है मारिया, कोई केस है या हम वो करें, क्या करें, किस तरह करें, व्हाट यू वांट? मैम वैसे तो आप सिनेरियो देते हैं तो हम उस पे करते ठीक है तो हैं ऐसे कर लेते जी। हैं। सो पीसीओ के भी हम कुछ सिनेरियोस पूरे करने की कोशिश करते हैं। एग्जाम में जो आएगा मोस्ट कॉमन, लेट्स बिगिन विद दैट। चलो चलो हाँ, लेट्स बिगिन विद दैट, फिर आगे हम और भी सिनेरियोस कर लेंगे। सो 28 years old, नली पेरिस, मैरिड फॉर 5 years, कम्स विद अनेबल टू मेंस्ट्रुएट फॉर लास्ट 3 months एंड वेट गेन फॉर लास्ट 6 months एंड शी वॉन्ट्स टू कंसीव एज वेल, सो हाउ विल वी प्रोसीड विद हर? Okay. First of all, I will introduce myself to the patient and take her introduction. Then I will ask about including her educational status and whether it's her first marriage or second marriage and occupation of the husband and age of the husband. And then I'll ask about her whether she has whether she has this last when was her last menstrual period, and that menstrual period was natural or after some medication. Then I will ask her about her age of menarche at which she started menstruation, and whether her cycles have been regular afterwards, the duration of this bleeding and the length of the cycle, and then I will ask her from since when her cycles have become whether before this amenorrhea her cycles became irregular or whether they were regular. Okay. And then I will ask about the length of the bleeding and the length of the cycle, amount of bleeding, and whether she faces any symptoms of dyspareunia, dyspareunia, and discharge. And then I will ask her about whether she has used any contraception or whether pap smear has been taken. Then I will ask her about her history, whether she has any history of weight gain or weight gain, hirsutism or acne, whether she has history of with weight gain, there is any history of heat cold intolerance or any insomnia, or whether there's a history of weight loss and but she has sorry she has presented with gain, weight gain. So I will ask whether it is associated with insomnia and thyroid symptoms, and then I will ask whether she has any history of discharge from the nipples or any headache or blurring of vision, or has she faced any history symptoms of has she any contact history of tuberculosis in the family or any abdominal mass. Then I will ask her about her husband, that whether she lives with her husband or husband is away, and whether is whether they I will ask about their coital frequency and whether they know about the fertility period. And then I will ask whether her husband had any husband semen analysis, and whether that was normal. And I will ask about any coital problems, whether satisfactory coitus. And then I will ask husband smoking, and any surgery in the childhood, or any history of mumps, or any other infection, or any radiation exposure. Then I will ask what treatment the patient has taken so far for her infertility and her weight gain, whether she has visited any gynecologist, and whether any
investigations have been done, blood investigations, or whether tubes have been checked, her tubes, and whether any invasive laparoscopy, etc., has been done. Then I will ask her about her previous history, her personal family history of diabetes, hypertension, tuberculosis, and then I will ask about any major or minor surgical procedure, her socioeconomic status, whether she is supported by her family, and whether she smokes or uses any drugs. I will also ask about drug allergy. Then I will examine her height and weight for her BMI, and then I will check her vitals and any positive finding in the general physical examination. I will check her thyroid, her breast, respiratory, and cardiovascular examination, her per abdominal examination to assess for any abnormal findings, and then her local examination. I'll examine her perineum, for any discharge or abnormality. Then I will do her speculum examination and assess for health of vagina and cervix, and take pap smear if she gives history that pap smear has not been taken in the previous 3 years. And then I will assess her, do her bimanual examination, in which I will assess for mobility, size of the uterus, and or any fixity, and any tenderness. And then I will do check the adnexa for any pathology. Then I will ask for baseline investigations of blood group, complete blood count with date, in which I will need hemoglobin, total leukocyte count, platelet count. I will need ab investigations pe nahi sir. Acha theek hai, good, theek tha. History examination ki assessment aapki theek thi, but bas wohi average thi, matlab shayad pass ho hi jao aage, theek agar chalta rahe case to. पर एक होता ना कि कंफर्म्ड बहुत ही पास, जैसे कहते ना 70% वाली तैयारी, वो नहीं थी, बस ठीक था. देखो बहुत ही, वैसे फ्रेंकली ये जो मैंने सिनेरियो दिया ना, ये मुझे देते हुए भी लग रहा था कि मैंने बहुत ही सिंपल सिनेरियो दिया, शायद इतना भी सिंपल ना हो. लेकिन अच्छा देखो, एक हमारे जैसे हमेशा हम कहते हैं कि हमारी फील्ड में एक बड़ी आसानी है कि हमें सिर्फ सिनेरियो देख के या प्रेजेंटिंग कंप्लेंट देख के ना सिर्फ डायग्नोसिस पता होता है, बल्कि हमें ये भी पता होता है कि हमने इस पेशेंट के साथ करना क्या है. मतलब द मोमेंट शी एंटर्स अ क्लिनिक, वी नो एग्जैक्टली कि वो उसका डायग्नोसिस क्या है और इसकी हमने मैनेजमेंट क्या करनी है. हमें पता, हमें उसके प्रेजेंटिंग कंप्लेंट से पता लग जाना चाहिए. इससे काफी हद तक डायग्नोसिस आपके सामने था कि शीज अ केस ऑफ फर्टिलिटी विद पीसीओ. ठीक है, आपने स्टार्ट ठीक किया, चलो. लेकिन वही चीज है जो कि पहले ही मैंने बहुत कम ही इन्फॉर्मेशन दी हुई थी आपको सिनेरियो में, आप उस इन्फॉर्मेशन को भी बार बार रिपीट करते जा रहे थे. वो बड़ा इरिटेट करता है जब टाइम कम हो, स्पेशली आपका एक इतना, जैसे कहते हैं ना 70% बहुत ज्यादा मार्क्स होते हैं सीपीएस के किसी भी एग्जाम में ओवरऑल. तो अगर 70% वाली तैयारी का मैं बात करूं, तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा मैप आपके माइंड में हो इस हिस्ट्री का. यानी यू शुड नो एग्जैक्टली कि सब फर्टिलिटी की और पीसीओ की हिस्ट्री मैंने लेनी है. सब फर्टिलिटी की यू कैन स्टार्ट ऑफ विद के जी दे मैरिड फॉर 5 years, दे लिविंग टुगेदर और नॉट, द फर्स्ट मैरिज ऑफ द कपल, एनी कोइटल प्रॉब्लम या कोइटल फ्रीक्वेंसी. और उसके बाद अगर आप, बिकॉज आपको हिस्ट्री के अंदर दे दिया गया है कि उसका वेट गेन और एमेनोरिया है, तो यू कैन स्टार्ट ऑफ विद द मेंस्ट्रुअल साइकिल, चलो ठीक है. या फिर आप उससे पहले ही पूछ लो कि कोई हस्बैंड जी मैंने एनालिसिस का टेस्ट या ट्यूबल टेस्ट या अल्ट्रासाउंड या वो सब का क्या है, सारा पिछला हुआ या अभी तक कोई वेलेशन इंडक्शन दे चुके या नहीं. उसके बाद आप उसकी सारी मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री पूरी कर दो, लेकिन उसमें साथ ही प्रेगनेंसी के सिम्टम जरूर रूल आउट करो, क्योंकि शी हैज नॉट मेंस्ट्रुएटेड फॉर द लास्ट 3 months. तो आप इस केस में बिल्कुल भी नहीं मिस कर सकते प्रेगनेंसी, नंबर वन पे तो प्रेगनेंसी लेके चलनी है. फिर इसके अंदर दो ही इंपॉर्टेंट डायग्नोसिस बनते थे, या पीसीओ या थायराइड, हाइपोथायराइड या पीसीओ. इसके अलावा और कोई बहुत अहम डायग्नोसिस बनता नहीं, एक्सेप्ट के लेटर ऑन एचएसए कम्स आउट टू बी एबनॉर्मल, क्योंकि मैंने एचएसए पे कोई कमेंट ही नहीं किया. तो थायराइड को इतनी कम लिफ्ट नहीं करानी, तो आपने थायराइड, आपने बस ऐसे ही सरसरी बोल दिया कि इफ शी इज आल्सो हैविंग एनी थायराइड सिम्टम्स, इसका तो डायग्नोसिस क्या पता है वो है ही हाइपोथायराइड का केस. फिर
और वैसे भी पीसीओ के अंदर हाइपोथायराइड की बहुत ज्यादा एसोसिएशन है. इट्स लाइक नियरली 11-15% ऑफ पीसीओस अननोइंगली इंसिडेंटली हाइपोथायराइड निकल आते. सो ये मे बी एक आपकी हिस्ट्री थी ओवरऑल एक इनफर्टिलिटी के केस की जिसमें चलो मेंस्ट्रुअल साइकिल को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई, लेकिन इट वाज नॉट अ हिस्ट्री ऑफ दिस पेशेंट एक्चुअली. और ये इस पेशेंट की अगर हिस्ट्री की जाए तो इट शुड बी अ वेरी ब्यूटिफुली मैप्ड हिस्ट्री जिसके अंदर दो तीन डायग्नोसिस बन रहे हैं, जिसमें सब फर्टिलिटी तो आपने फटाफट बहुत ब्यूटीफुल, क्योंकि सब फर्टिलिटी की हिस्ट्री तो ऐसी हिस्ट्री है कि वो आपको पता होना चाहिए कि आपने किस तरह से प्रेजेंट करनी है. उसके अंदर पीसीओ और हाइपोथायराइड का डायग्नोस, मैंने हर्सिटिज्म का जिक्र नहीं किया, अगर वो भी कर देती तो शायद थोड़ा सा आप हर्सिटिज्म के टीडी को भी कंसिडर कर लेते, लेकिन आपने खैर हेयर ग्रोथ और एक्सेसिव उसकी बात खास की नहीं. और उसके अलावा हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती, जो स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं पीसीओ के, यू हैव नॉट कवर्ड देम इन द हिस्ट्री और इन एग्जामिनेशन ऑल्सो. एग्जामिनेशन ऑफ अ पीसीओ पेशेंट हैज सम वेरी स्पेसिफिक पॉइंट्स एज वेल, आपने उसको बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराई. सो इस वजह से ये शायद अगर आगे आप बहुत अच्छा परफॉर्म करो तो पास तो हो जाओ, वरना 58-55 से 60 के बीच वाला था, या मे बी 60 अगर आगे बहुत अच्छा परफॉर्म करो. बट ये तो यहाँ की प्रेजेंटेशन है, यहाँ पे 70 वाला करोगे तो वहां पे जाके पासिंग प्रेजेंटेशन होगी ना, एग्जाम में तो थोड़ा और भी होता है इस वजह से. तो इसलिए इसके अंदर आपने पीसीओ और तो ये जो सिनेरियो था ना, सबसे पहले जब आप प्रेजेंटिंग कंप्लेंट, वैसे भी हम जब सुनते हैं पेशेंट की क्लिनिक पे बैठे हुए ओपीडी में, और वैसे और इवन इन द गिवन सिनेरियो व्हेन यू जब आपने पढ़ा तो दो जो मेन डायग्नोसिस बन रहे हैं ना उसको आप अदरवाइज बेसलाइन हिस्ट्री में उन दो चीजों को ज्यादा प्रोजेक्ट करते हो, जस्ट टू लेट द एग्जामिनर नो एज वेल के यू हैव कम टू अ डीडी और यू हैव कम टू अ डायग्नोसिस जिसको अब आप सही रूल आउट कर रहे हो, तो फिर वो आपको डिफरेंट करेगी कि यू आर डीलिंग विद दिस पेशेंट इन पर्टिकुलर, ना कि आप सारी दुनिया के मरीजों में यही चीज बोल दोगे, राइट? तो इस तरीके से नहीं करना. सो एग्जामिनेशन के अंदर आपने मुझे हाइपर पिगमेंटेशन होते जैसे एकिंथोसिस नाइग्रिकंस कहते हैं पीसीओ में, एंड देन वेस्ट हिप रेशियो का भी कुछ जिक्र वो सारा, फिर देन इसके अंदर बीएमआई बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो सिर्फ बीएमआई ठीक है, जरा और एम्फसाइज कर दो कि वेट और हाइट एंड देन बीएमआई, यू नो, क्योंकि अब वहाँ पे अब हम आप परफॉर्म नहीं कर रहे ना, अब आपने अपनी बात से ही एग्जामिनर को साज दिलाना है कि क्या आप वहां, तो अदरवाइज आप परफॉर्मेंस में भी पिक हो जाता था सब कुछ. तो यहाँ पे आपको अपना आइडिया आगे कन्वे करना है एग्जामिनर को कि आप किस चीज पे एम्फसाइज कर रहे हो और किस चीज पे नहीं, तो ये सारा बड़ा इंपॉर्टेंट बातें. अच्छा, और क्या लिखा है, सॉरी भाई ये चैट पे आप लोग लिख रहे हो अभी इस वक्त, तो खैर मैं बोल रही हूँ इसलिए पढ़ नहीं सक रही. अच्छा चलो, साथ साथ मैं पढ़ती हूँ फिर बताती हूँ, ठीक है. सो इस तरीके से अपनी हिस्ट्री और अच्छा अभी इसको आप मारिया इम्प्रूव कैसे करोगे, इम्प्रूव अभी कर सकते हो क्योंकि लकीली एग्जाम बहुत आगे हो गया है और अभी बहुत टाइम मिल गया आपको. हाँ मैं तो जो बात कर रही हूँ वो तो हफ्ते में भी हो जाएगी, जो मैं हर क्लास में कहती हूँ. एक तो बेसलाइन हिस्ट्री है उसके तो पॉइंट्स फिंगर टिप्स पे करो, वो नहीं है अभी किस अभी तक मुझे वो मजेदार किस्म की हिस्ट्री वाला बंदा नहीं मिला जो कि आए और पता चल जाए कि इसने इसको ये चीज ऐसे पता है कि शायद ये अगर सोते हुए भी इसे पूछ लेते हैं उसकी हिस्ट्री में, यू नो, इतना क्लियरली पता है इसको, इतना ज्यादा प्रैक्टिस किया. रोजाना सुबह अपना पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले इफ यू आर गोइंग टू हॉस्पिटल टू स्टडी इन अ ग्रुप, तो आप जाने से पहले घर में हर रोज एक या दो घंटे, एक घंटे में हो जाता है वो जो 15-15 टॉपिक्स का आपने लिस्ट बनाई हुई है उसके डेली का हिस्ट्री के पॉइंट स्पेसिफिक टू दैट टॉपिक, एग्जामिनेशन स्पेसिफिक टू दैट टॉपिक एंड इन्वेस्टिगेशन स्पेसिफिक टू दैट टॉपिक. इफ यू रिवाइज इट डेली टिल एग्जाम, लाइक 30 days भी अगर एग्जाम में है तो आप बेशक आपको लगे कि मैंने कल ही रिवाइज किया और यू डोंट नीड टू रिवाइज इट अगेन, लेकिन अगर आप रोज ये चीज कर लो तो आपका तो बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा. एक चीज, दूसरी चीज ये कि जब आपको ये जैसे मैंने कहा कि इनफर्टिलिटी की हिस्ट्री तो इतनी खूबसूरत तरीके से बता देनी चाहिए और उसके अंदर सुपर इम्पोज डायग्नोसिस यानी पीसीओ ओब्लिक हाइपोथायराइड, तो वो बहुत आसान हो जाएगा. एक आप एक हिस्ट्री के अंदर उस चीज को एम्फसाइज जब करोगे तो इट विल
come out to be a very beautifully presented history. Na ke ke aap ruk ruk ke bolo ya aap chalo theek hai ruk ruk ke. You covered it in very good time. Aapne I think 3 minutes mein sara kuch bola, which was very good. Isliye main keh rahi hu aage bahut acha karo to you can pass also. Lekin agar ek clear cut pass hai wo phir aur wo candidate alag hota hai. To us tarike se theek hai. क्या लिखा है पीसीओ में? ये मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा, सॉरी. सदफ आप पूछ लो अपना हैंड रेस करके, जिसने जो पूछना है वो बीच में बेशक पूछ ले. मैम पीसीओ का मैकेनिज्म पूछना है कि वो इतना टफ है, उसे जितनी दफा करते हैं भूल जाता है, उसे कई तरह से जो ना रिलीज हो रहा है मैकेनिज्म. जी मैम, उसके जो है ना मैं मल्टीपल तरीकों से जो है ना ये रेज हो रहे हैं हार्मोन्स, लाइक आपके पास जो है ना ईस्ट्रोजन जा रहे जाके FSH को उसको चाहिए था कि वो ब्लॉक कर दे, अब वो अवेलेबल नहीं है. तो उसने क्या किया कि जाके पल्सेटाइल जो GnRH रिलीज हो रहा होता है, अब वो क्या करता है LH को ज्यादा कर रहा है, लेकिन वो LH का जो हमें चाहिए ना सर्च चाहिए ओवल्यूशन के लिए वो अवेलेबल नहीं है. अब मल्टीपल वो पड़े इंसुलिन, हाइपर इंसुलिनीमिया आ गया और पेरिफेरल फैट वाला एंड्रोजन आ गए. हाइपर इंसुलिनीमिया से इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर के रिसेप्टर्स जो थीका सेल्स पे है उसके ऊपर एक्ट करके मजीद एलएच और एंड्रोजन बढ़ा दिए. जब वो बढ़ गए तो फिर एफएसएच और कम हुआ हुआ है, एफएसएच एलएच रेशियो वहां पे खराब हो जाता है और हाइपर एंड्रोजन. अब हाइपर एंड्रोजनिज्म होके और सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन इन पेशेंट्स के अंदर कम होती है, जिसकी वजह से फ्री टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होता है. फ्री टेस्टोस्टेरोन के हार्मोन्स कहाँ होते हैं? पेरिफेरल, हमारी स्किन पे, सेबेशियस ग्लैंड्स में, और जिसकी वजह से हर्सिटिज्म और स्किन चेंजेस और वो सारी आ जाती है और हाइपर एक्सक्यूज मी एंड्रोजनिज्म वाला सिंड्रोम आ जाता है. ये सारे बिल्कुल ये सारा प्लीज. और इसके अंदर आप अगर ये एफ एस एच एल एच और प्रोलैक्टिन और एस्ट्राडियोल का क्या क्या फर्क आ रहा है, बिल्कुल वेरी गुड सदफ ने, अच्छा हुआ बहुत क्विकली इस चीज को एक दफा मेंशन किया ताकि ये चीज सब एक दफा देख ले. ये पैथोफिजियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आपको पैथोफिजियोलॉजी पता होगी यू विल बी एबल टू ट्रीट योर पेशेंट वेल, यू विल बी एबल टू काउंसिल देम वेल. मुझे ऐसा लगता है कि पीसीओ में ट्रीटमेंट से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काउंसलिंग है. एंड देन इसके जो मेटाबॉलिक ये जो मेडिकल सिंड्रोम से रिलेशनशिप है, एक्चुअली मेटाबॉलिक प्रिवेंशन, मेटाबॉलिक जो डिसऑर्डर्स होते हैं लेटर ऑन उसकी प्रिवेंशन में, इस सारे पैथोफिजियोलॉजी को समझने में और इसकी प्रिवेंशन के मेथड्स को कन्वे करने में पेशेंट को बहुत आसानी होगी और यही प्रिवेंशन लेटर ऑन इसको कितने सारे मेडिकल प्रॉब्लम से बचाएगा, इवन बहुत सारी मेलिग्नेंसी से भी. सो इस वजह से एज अ क्लिनिशियन बहुत इम्पोर्टेंट है कि इसको समझें और इसका इसका सही इम्प्लीमेंटेशन बताएं पेशेंट्स को, क्योंकि ये एक प्रिवेंटेबल चीज है, इससे इसके कॉन्सिक्वेंसेस प्रिवेंटेबल है. पूरी दुनिया में अब मेरा ख्याल है कि क्योरेटिव से ज्यादा प्रिवेंटिव मेडिसिन की बात ज्यादा हो रही है. इवन के डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये सारी चीजें, हर चीज की प्रिवेंशन ही पे बात होती है. अनफॉर्चुनेटली हमारे कंट्री में इसका कोई अलग वो नहीं है सब्जेक्ट, लेकिन यस इफ यू नो द होल थिंग एंड यू आर अ क्लिनिशियन, आप इस चीज को अपने हद तक तो प्रमोट कर ही सकते हो ना कि पेशेंट इज कमिंग टू यू, शी शुड नो एंड शी हैज बीन फॉर एग्जांपल लेबल्ड एज अ. अव्वल तो पीसीओ की जो डेफिनेशन है और उसमें लेबल भी ठीक बंदे को करना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. हर्सिटिज्म का असली मतलब, हर्सिटिज्म क्या है वो पता होना बहुत जरूरी है. हाँ, हाइपर एंड्रोजनिज्म का और चीज है, सिर्फ हर्सिटिज्म को सॉरी लेबल करना और चीज है. एक्सक्यूज मी, हाइपर एंड्रोजनिज्म में तो आपके सारे, जिस तरह मैंने कहा है कि टेस्टोस्टेरोन के जहां जहां फ्री टेस्टोस्टेरोन लेवल ज्यादा हो जाता है और सारे सारे जहां जहां रिसेप्टर्स आपके टेस्टोस्टेरोन के ज्यादा हैं वहां से वो उस पर एक्ट करेगा. यस, हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया भी हो जाता है इसके अंदर. फिर हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया का अलग डीडी होता है, ये डॉक्टर शायदा ने भी हमें लिखा. सो द थिंग इज के इस तरीके से बिल्कुल हो जाता है. मैं सॉरी पता नहीं क्या बात कर रही थी. तो इस वजह से पीसीओ को सही डायग्नोसिस को लेबल करना बहुत है. मैं ये नहीं कि हर अब अल्ट्रासाउंड के ऊपर लिखा होता है पीसीओ ओनली, एन अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग वाला पेशेंट डज नॉट कम इन द क्राइटेरिया फॉर द डेफिनेशन ऑफ पीसीओ. वो तो तीन में से एक क्राइटेरिया है ना कि जी इतने 12 से ज्यादा, जी 12 या मोर देन 12 इमेच्योर फॉलिकल्स है, लेस देन 9 to 10 mm के, तो वो तो सिंगल, उसके साथ 2 out of 3 वाला डायग्नोसिस है ना. सो वो पूरा, अगर कोई लेबल हो ही गई है पीसीओ तो उसको मतलब
maybe today she is labeled as PCO, but after 3 days she may not be having PCO because usne uske lifestyle etc se prevention ho jati hai. Theek hai, so let's come back to the Maria's case. ठीक है, सो हाँ जी मारिया, ठीक है, आई होप अब आपको समझ आ गई है कि आपने इसकी हिस्ट्री और एग्जामिनेशन में क्या करना है. सो अब आप इन्वेस्टिगेशंस पूछो. ओके मैम, फर्स्ट द बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन इन व्हिच आई नीड विद आरएच फैक्टर कंप्लीट ब्लड काउंट इन व्हिच आई नीड हर हीमोग्लोबिन ग्राम्स पर डेसिलीटर टोटल ल्यूकोसाइट काउंट्स इन क्यूबिक मिलीमीटर प्लेटलेट काउंट millimeter. I need her fasting blood sugar and I need her midstream urine examination and then I need her HBS antigen anti-HCV. I need her urine pregnancy test and I need her transvaginal scan in which I want to know any about the uterine cavity, endometrial thickness, any abnormality of the myometrial ecotexture, and then I want to know any about the ovarian status, whether as she has increased weight gain and infertility. So I want to know about the volume of the ovaries and the number of follicles, and I want ovaries and number of follicles bilaterally. And then I want her husband semen analysis, and I want her LH FSH ratio, and I need her sex hormone binding globulin levels, and I need her total testosterone level. If any hysterosalpingography done, then I will be needing about that as well. And I want her day, although her she has amenorrhea for last 3 months, secondary amenorrhea, but if any day 21 progesterone has been done previously. And I need her thyroid stimulating hormone levels, and I need her prolactin levels. And yes. अच्छा, इन सारी इन्वेस्टिगेशंस में बहुत बड़ा ब्लंडर मार दिया. चलो और बताओ. अच्छा, अभी एग्जाम Day 21 प्रोजेस्टेरोन क्या होता है? Day 21 जी सर मैम. Day 21 प्रोजेस्टेरोन क्या होता है मैम? अब ये तो मैं प्रीवियसली मांग रही थी, अगर इसका कोई वर्कअप हुआ है मैम. इट्स प्रोजेस्टेरोन दैट शोज ओवुलेशन, whether the patient had ovulatory cycles, whether ovulation happened or not. If the progesterone level is more than it's measured on the 21 day of the cycle, that is 7 day before the menstrual cycles, and if more than 30 nanogram, it means the patient had ovulated. But at the moment she is having amenorrhea. आंसर बहुत अच्छा दिया है, लेकिन अगर एग्जामिनर ना पूछता तो आप फेल हो चुके थे. Day 21 प्रोजेस्टेरोन सिर्फ नहीं बोलना. अब देखो, ये पेशेंट तो बेचारी 3 महीने से इसने मेंस्ट्रुएट नहीं किया, इनफ्रीक्वेंट इसके पीरियड्स हैं, तो इसके अंदर Day 21 तो ना हुआ. आप ये कह सकते हैं कि Day 21 प्रोजेस्टेरोन 28 डे साइकिल, ये पूरी स्टेटमेंट है. और अगर इस तरह की पेशेंट है कि जिसके अंदर हु इज नॉट मेंस्ट्रुएटिंग on a regular basis, या maybe not at every 28 day, तो फिर आप कह सकते हो कि Day 21 and 28 से cycle या serial progesterone levels. Yes, इस तरह के केस में फिर आप serial कराते हो, maybe alternate days पे, कि जब तक periods आते हैं फिर उस हिसाब से आप 7 day पहले वाली report कर लेते हो. So इसलिए ये बातें बड़ी concept को show करती हैं. But बहरहाल, when I asked you the detail, at least you knew the details. क्या लेकिन इसको फिर मांगो भी सही तरह, क्योंकि इतने extended talks वाले station में तो इतना time ही नहीं होगा ना कि वो इतनी detail में बात की जाए. जिस तरह मैंने अभी पूछ लिया तो पता चल गया कि आपको concept है, but otherwise तो फिर मसला हो जाना था. तो ठीक है, और बताओ, किसी और ने कुछ add किया chat में कोई investigation? Thyroid function test मांगे? Yes, मैं TSH मांगा. TSH तो पूरे ही मांगो ना इस तरह के पेशेंट में. अच्छा, उसके अलावा अच्छा ठीक है, देखो प्रोलैक्टिन शायद भूल गए मांगना. मैं वो भी आखिर में मांग लिया जब आपने और कहा. अच्छा देखो, मेरी बात सुनो, इन्वेस्टिगेशंस मांगने का भी एक तरीका है, जिसमें मैंने कहा ना कि हिस्ट्री बताने का एक पूरा आर्ट है. आप
को बहुत ज्यादा उस चीज पे स्किल हो, क्योंकि अब तो वैसे एक्सटेंडेड टॉक्स में इतना ज्यादा फोकस्ड बात हो गई है कि जिसको मतलब अब तुक्के वाली बात ही रही, अब जिसको वाकई में प्रैक्टिस है ना, मतलब जिसके वाकई फिंगर टिप्स पे बात है, वो तो बहुत ही इजीली पास हो सकता है। और इस वजह से हिस्ट्री और एग्जामिनेशन के स्किल को तो करो, इन्वेस्टिगेशंस मांगने का भी एक कंप्लीट आर्ट है। देखो जब आप इनफर्टिलिटी, देखो बेस लाइन तो चलो होगी सो होगी, वो हर एक अपना स्टाइल है मांगने का, नो बडी इज गोइंग टू मिस एनीथिंग इन बेस लाइन फॉर श्योर एंड शुड नॉट मिस, नंबर वन, वो तो डेटा इस आता है। चीज में होना चाहिए था। अच्छा मांग ले तो मैं बताती हूँ, करेक्ट सदर यूपीटी क्या होता है इस तरह के पेशेंट में, हम तो बीटा एचसीजी कराएंगे, चलो खैर बहरहाल वो भी डेटा इस होता चीज में है। इस तरह के पेशेंट में, इनफर्टिलिटी के पेशेंट में देखो बात यह है कि व्हेन यू आर आस्किंग अबाउट, ओके बेस लाइन होगी, बेस लाइन के बाद जब आप इनफर्टिलिटी के इन्वेस्टिगेशन मांगने लगे हो, या सीरम बीटा एचसीजी तो नंबर वन पे, उसके बाद अगर आप ब्लड की सारी मांग रहे हो, वैसे तो बेशक आप पहले हस्बैंड सीमेन एनालिसिस ही मांग के साइड पे कर लो बात की, चलो सबसे कम इंटरवेंशन वाली चीज है तो वो तो एक तरफ हो बात, चलो वो भी नहीं, उसके अलावा अगर आप ब्लड की सारी मांग रहे हो जैसे बीटा एचसीजी मांगा है, तो उसके साथ ही आप उसका FSH, LH, प्रोलैक्टिन, थायराइड, देयर इज नो नीड ऑफ गेटिंग सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन डन, देयर इज नो नीड ऑफ गेटिंग द टोटल टोटल आपने, यस टोटल टेस्टोस्टेरोन, अगर ज्यादा ही है तो फ्री टेस्टोस्टेरोन इंडेक्स मांगेंगे, वो भी किसके अंदर, जिसके अंदर बहुत आपको हर्सिटिज्म मिल रहा है, जिसे कहते हैं ना वो जो एक स्कोरिंग होती है फेरमैन गैल्वे स्कोर, उसमें अगर आपको लग रहा है कि वो 8 out of 13 से ज्यादा का स्कोर आ रहा है, तो उसके अंदर हम फिर भी फ्री टेस्टोस्टेरोन लेवल काउंट कैलकुलेट करने के लिए जो भी सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन या टोटल टेस्टोस्टेरोन हो वो मांगेंगे। जिस पेशेंट में आपको क्लिनिकली ये चीज नहीं मिली, उसके अंदर इतनी महंगी इन्वेस्टिगेशंस नहीं करानी, और इट इज वेरी वेरी रेयर दैट यू एवर नीड टू गेट द सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन टेस्टोस्टेरोन लेवल्स, कभी तो जरूरत पड़ी कराने की बताओ, नो मैम। सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन और टोटल टेस्टोस्टेरोन लेवल अभी तक आपने अपने वार्ड्स में या अपनी प्रैक्टिस में कहीं देखा कि आपने नो कराया? मैम, नो नहीं मैम, कराया नहीं। तो अभी इधर क्यों आके बोल रही, ठीक है मैम। कितनी दफा मैं कहती हूँ कि जहां फंस जाओ एग्जाम में वहां ये सोचो कि आपके बॉडी में क्या हो रहा है, बिल्कुल ठीक हो रहा है, बिल्कुल वो चीज ही करनी है जो आप लोग वहां कर रहे हो, चाहे वो आपकी जो प्रैक्टिस है वो ही बोलो, वही ठीक है, क्योंकि कहाँ देखो अगर आपको लॉजिक नहीं भी पता, जस्ट से व्हाटएवर यू आर डूइंग इन योर वर्ड्स, आप एटलीस्ट सेफ रहोगे आप, क्योंकि वो आप ठीक कर रहे हो। ये जो टेस्ट है या फ्री टेस्टोस्टेरोन इंडेक्स कैलकुलेशन में, वो उन केसेस में होता है जिसमें क्लिनिकली हर्सिटिज्म की कैटेगरी में वो आ जाए और उसका एक पूरा स्कोर है, ठीक है, और फिर वो क्यों किया जाता है, क्योंकि फिर वो पीसीओ के अलावा रूल आउट करने के लिए कि कोई कुशिंग्स तो नहीं है, कोई एड्रीनल कार्सिनोमा तो नहीं है, कोई कोई और कॉज तो नहीं है जिसमें टेस्टोस्टेरोन का रिलीज ज्यादा हो रहा है, एंड देन यस फॉर द डीडी ऑफ हर्सिटिज्म, मैं इसलिए अब सारा कुछ ज्यादा कवर कर रही हूँ क्योंकि हम इसी केस को बहुत डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, इससे काफी पीसीओ के और भी एस्पेक्ट हमारे कवर हो रहे हैं। उसके अंदर जब जहां आपको पेशेंट एक्सेसिव हेयर ग्रोथ कहती है, फॉर एग्जाम्पल यू आर आस्किंग हर अबाउट द एक्सेसिव हेयर ग्रोथ ग्रोथ एंड देन यू आर एग्जामिनिंग हर एज वेल, एंड इफ यू थिंक दैट आपको इसका थोड़ा हिर्सुटिज्म का डीडी भी रूल आउट करना है, देन यू नीड टू नो अबाउट द एंड्रोजन्स दैट आर रिलीज इन अ फीमेल बॉडी एज वेल, कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, ओवरी से, एड्रीनल ग्लैंड और पेरिफेरल टिश्यू से, टेस्टोस्टेरोन आ रहे हैं, DHEA आ रहे हैं, DHEAS आ रहे हैं, एंड्रोस्टेरोन आ रहा है, ये तीन चार चार हॉर्मोन्स आते हैं जो एंड्रोजन है, कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, ज्यादा कौन सा कहाँ से आ रहे हैं, थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट भी बहुत जरूरी है। एंड देन द सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन, किन कंडीशंस में सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन कम होता है, किन कंडीशन ज्यादा होता है, ये सारे कॉन्सेप्ट स्पेशली इन द फॉर्मेट ऑफ एक्सटेंडेड टॉक्स, ये कॉन्सेप्ट वाली चीजें थोड़ी सी और भी इम्पोर्टेंट हो गई, क्योंकि उसके अंदर थोड़ा सा कुछ रेयर चीजें भी आ सकती है, पहले हर्सिटिज्म का या कोई एड्रीनल कार्सिनोमा का, या जिसके अंदर वाकई हर्सिटिज्म हो और रूल आउट करने वाले केसेस हम बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करते थे, अब यू नेवर नो, सो इस वजह से ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अबाउट द एंड्रोजन रिलीज इन द फीमेल बॉडी आई थिंक 1-2 घंटे का ही काम है, इससे ज्यादा का काम नहीं है कि थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट बना ले कि कहाँ से क्या आता है, कोई सी भी बुक आप ले लो उसमें आपको मिल जाएगा, ये पीसीओ की डिटेल वाले, ये इवन ड्यूहर्ट्स के अंदर भी है,
अगर आप देख लो इवन हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया का बड़ा अच्छा डीडी का 2-4 पेजेस है उसके, बहुत ही उसी में उतना ही एडिक्वेट है, क्योंकि जो प्रोलैक्टिन वाले जो कार्सिनोमास होते हैं या फिर ये जो है एड्रीनल कार्सिनोमा, ये वाले पेशेंट बहुत हमने तो डील नहीं, कुशिंग्स वाले उनको ट्रीट हम तो नहीं मेडिसिन या एंडोक्रिनोलॉजिस्ट या वो ज्यादा करेंगे, बट यस इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द डीडी, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द मैनेजमेंट एंड ऑल, यू नीड टू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ दीज हॉर्मोन्स, क्योंकि ये सारे हमारी फील्ड से रिलेटेड हॉर्मोन्स है, तो ये पता होना चाहिए, ठीक है। ये वाले हॉर्मोन्स आपने जो आपने नहीं की कभी कराए जिंदगी में, तो आपने कभी नहीं मांगे, एक चीज गुड। यूपीटी नहीं, बीटा एचसीजी, थायराइड फंक्शन टेस्ट कंप्लीट मांगने, डे 21 प्रोजेस्टेरोन इनर 28 डे साइकिल करके मांगना है अगर बोल लें डे 21 प्रोजेस्टेरोन के साथ। उसके अलावा गायनी के पेशेंट में पेप्स में भी मांग लो तो अच्छा होता है। और सूरत TVS आपने अच्छा मांगा, यू टॉक्ड अबाउट, लेकिन अब उसके अंदर जो दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आप देखना चाहते थे, एंडोमेट्रियल थिकनेस, रेगुलरिटी ब्लड फ्लो, व्हाई, बिकॉज आपने एग्जामिनर को मैसेज देना है कि यू नो एग्जैक्टली कि शी हैज नॉट मेंस्ट्रुएटेड फॉर द लास्ट 3 मंथ्स, इसकी कोई थिकनेस ज्यादा तो नहीं है, अगर इसकी थिकनेस 1 सेंटीमीटर से भी ज्यादा आ रही है आई इमीडिएटली नीड टू गिव हर विदड्रॉल ब्लीड। नंबर टू, शी कैन एंड अप, अभी तो नहीं लेकिन ऑब्वियसली अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं है या लिगोमेनोरिया तो इसके अंदर लेटर ऑन हाइपरप्लेजिया या वो सब क्या को भी तो देखना है, सो ब्लड सप्लाई। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज थी ओवेरियन, यू डिड टॉक अबाउट ओवरीज इन अ वेरी ब्यूटीफुल वे, वो बहुत अच्छा था वैसे वो उस तरीके से, ठीक है। तो ये दो चीजें इसके अंदर बहुत ज्यादा माइमेट्रियल एक्को टेक्सचर और वो चीजों का ठीक है बोल दिया, बट उससे ज्यादा एम्फसाइज अगर एंडोमेट्रियम की थिकनेस और उसके ऊपर हो तो वो और भी अच्छी बात है, ठीक है। सो आई थिंक यस, A patient is less than 30, so it's okay if you are just asking about the blood sugar random. वरना इस तरह के केस में जो कि PCO वाला इतना ज्यादा कंफर्म आपको लग रहा है कि डायग्नोसिस, तो उसमें फिर जाहिर बात है she's above 30, तो आप HbA1c या you are more concerned if she's not having diabetes or anything, या deranged blood sugar levels, तो वो इस तरह का कुछ मांग लेते हो, better test for the blood sugar levels। और बस बाकी आई थिंक और किसी ने कुछ ऐड करना है तो बताओ, किसी ने लिखा है डे 21 रेगुलर साइकिल, आपने लिखना है डे 21 प्रोजेस्टेरोन इन अ 28 डे साइकिल, 30 डे साइकिल बेशक रेगुलर भी होगी वो 21 डे नहीं उसके काम आएगा, वो जैसे हमें मारिया ने बताया 1 वीक बिफोर वाला काम आएगा। फास्टिंग इंसुलिन कभी कराई है जिंदगी में? नहीं, नहीं करानी, बिकॉज फास्टिंग इंसुलिन करा के हमारी मैनेजमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। मैम प्रोजेस्टेरोन विथड्रॉल टेस्ट करना है, वो तो आगे की बात है, वो मैं आपको भी बताती हूँ, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इससे एक कॉन्सेप्ट मैं आपको और सेकेंडरी मेनोरिया का दे दूंगी, उससे वो केस सिनेरियो भी कवर हो जाएगा, वो भी बताती हूँ, पहले इन्वेस्टिगेशंस बताओ। एक्सक्यूज मी मैम, ये जो सिनेरियो है ये हम मतलब जिस तरह उन्होंने कहा कि आई विल आस्क माय पेशेंट दिस एंड, तो मैम ये तो उस तरह हम उसको केस के तौर पे नहीं लिखा जा सकते, लाइक somebody have to answer me, for example if she is unable to menstruate for 3 months पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि this is the first time और मतलब इसके साथ ऐसा होता रहता है, and then she have just gained weight for 6 months, तो मुझे तो answers चाहिए, मतलब that answers will guide me, those answers will be given before the management। इस वक्त ये है कि आप इसको किस तरीके से मतलब इसके आप किस तरीके से approach करोगे, how are you going to ask all the questions, जिस तरह भी आप questions कर रहे हो कि 6 months से है या पहले से है या अभी infrequent हुआ है, पहले से infrequent हुआ था cycle, या you know जैसे बिल्कुल आपका valid point है कि hypothyroid अगर है तो वो अभी तो नहीं एकदम से उसका हो गया होगा ना कि अभी yes, ma'am. And ma'am, दूसरी बात है she might be taking some treatment like on the spot she has to tell me, like ये तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा ma'am, ये तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा कि अगर कितना ही scenario वहां पे yes, इसी तरह ये ज्यादा से ज्यादा अगर हुआ तो उसमें ये एड वो कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि मुझे लग रहा था कि मैंने बहुत इजी सिनेरियो दे दिया, तो इसके अंदर वो एड कर देते हैं कि हस्बैंड सीमेन एनालिसिस उसका नॉर्मल है, अल्ट्रासाउंड पे उसका पीसीओ आया हुआ है, ज्यादा से ज्यादा 1-2 इन्वेस्टिगेशन एड कर देते, लेकिन इवन देन हिस्ट्री जैसे आपने कहा कि यू नेवर नो कि वो पहले ट्रीटमेंट लेती रही हो, तो हिस्ट्री तो फिर भी आपको अपनी पूरी करनी होगी, अगर वहाँ रोल प्लेयर हुआ तो यू मे गेट द आंसर्स, बट रोल प्लेयर जरूरी नहीं है वो। जी सर, मैम एचएसजी का रोल है, इसने यहाँ पे लिखा हो कि पीसीओ, शी इज अ
मैडम अगर इस सिनेरियो में ये गिवन हो कि दैट शी इज अ पेशेंट ऑफ पीसीओ, तो फिर पीसीओ की तो क्वेश्चंस नहीं करने है ना, लाइक दिस इज क्लियर कट पीसीओ, तो व्हाई अल्ट्रासाउंड पे पीसीओ है तो क्या वो पीसीओ है? नो मैम, अगर वो एक पेशेंट है पीसीओ की, वो कह रही मुझे ये सिंड्रोम है, शी इज अ पेशेंट ऑफ पीसीओ, पेशेंट तो कभी नहीं, सिंड्रोम तो आपने बनाना है, यही तो लेट्स सपोज हाइपोथायराइड की पेशेंट है, लेट्स सपोज मेरा मतलब ये कि हमने अभी एक वो लिया था वर्कशॉप, उन्होंने कहा था कि अगर एक डिजीज डायग्नोज है तो आप उसके बारे में सवाल ना करें। देखो अगर उसमें लिखा है कि अल्ट्रासाउंड पे फाइब्रॉइड आ गया, 5 सेंटीमीटर का फाइब्रॉइड है, तो फिर तो शी इज अ केस ऑफ फाइब्रॉइड, फिर आप उससे क्या सवाल करोगे, आप उससे उसके सिम्टम्स के सवाल करोगे टू टू रूल आउट कि आपने उसकी मैनेजमेंट क्या करनी है, ये देखने के लिए कि इफ शी रियली नीड्स अ मैनेजमेंट और नॉट फाइब्रॉइड। फिर ये नहीं होगा कि आप एचएमबी के पीछे ये पढ़ते जाओ कि पता नहीं उसको यू नो प्रेगनेंसी थी, वो मिस्ड अबॉर्शन हो गया था, ये क्या हो गया था एचएमबी का, फिर आप अब उन्होंने दे दिया स्कैन के ऊपर फाइब्रॉइड है, तो लेकिन फिर भी आपको मैनेजमेंट के लिए उसके हिस्ट्री के पॉइंट्स चाहिए। अगर यहाँ पर वो, यहाँ पर तो वो कह रहे हैं कि अल्ट्रासाउंड पे लिखा पीसीओ का, यही तो फर्क है बाकी मसलन बाकी डिजीजेस से, के पीसीओ का डायग्नोसिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सिम्टम्स प्लस साइंस, इट्स नॉट जस्ट अ सिंगल थिंग दैट डिक्लेयर्स दैट इट इज अ पीसीओ। इवन इफ शी इज सेइंग दैट शी इज हैविंग एक्सेसिव हेयर ग्रोथ, यू नीड टू रूल आउट फ्रॉम हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन इफ शी इज रियली हैविंग हर्सुटिज्म। अगर वो अपने मुंह से आके कहती है कि मुझे हर्सुटिज्म है, तो वो आपको खुद क्लिनिकली डिफाइन करना है कि उसको है भी कि नहीं, राइट। सिमिलरली अगर वो आकर आपको कह रही है कि अल्ट्रासाउंड पे पीसीओ आ गया, you still need to make her diagnosis ki is she really having PCO or not, PCO ka yahi farak hai baki maslon se, theek hai? Even Dr. Aruba वैसे भी जो secondary amenorrhea में तो जो है इन causes को rule out लाजमी करना है, क्योंकि test में भी लिखा होता है कि आपने PCO के साथ साथ वो prolactin level को भी और thyroid को भी rule out करना है, because they are associated with PCO. बिल्कुल, वो तो जरूरी तो नहीं है कि वो अगर पहले है, हो सकता है वो ना उसे पता हो, ना डायग्नोज हुआ हो। बिल्कुल, और मैं यही बता रही हूँ कि पीसीओ में तकरीबन 15% तकरीबन थायराइड हाइपोथायराइड होते हैं विद पीसीओ, सो बिल्कुल हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया और थायराइड का बहुत ज्यादा लिंक है पीसीओ के साथ, ठीक है। तो इस वजह से आपको इसकी पूरी इवन देखो, बिल्कुल ठीक बात है। असल में जो आपको वर्कशॉप में बताना चाह रहे थे, मुझे जो लग रहा है वो यही है कि यू डोंट नीड टू डू द रिपीटेशन ऑफ थिंग्स व्हिच हैव बीन गिवन इन द गिवन सिनेरियो। जिस तरह की अगर इसके अंदर उन्होंने लिखा हुआ है कि शी इज मैरिड फॉर 5 years एंड शी हैज गेन्ड वेट, तो बार बार ये ना पूछो कि आई विल आस्क हर इफ शी हैज गेन्ड वेट और नॉट, आई विल आस्क हर व्हेन हर लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड वाज, हालांकि वो सारा कुछ मेंशनड है इस सिनेरियो में। आपने उस सिनेरियो से आगे की बात करनी है, कंसिडरिंग के डायग्नोसिस बनने वाला है या बना हुआ है, नंबर वन। नंबर टू, अगर बना हुआ है तो आपके वो सवाल इम्पोर्टेंट जो आपके मैनेजमेंट को चेंज कर सकते हैं, और वो सवाल इम्पोर्टेंट जिससे रिलेटेड आपने मजीद इन्वेस्टिगेशन आप मांग सकते हो, और अगर डायग्नोसिस नहीं दिया हुआ तो वो सवाल टू री इन्फोर्स योर डायग्नोसिस, ठीक है। तो इस तरीके से आपने हिस्ट्री को लेकर जाना है। डॉक्टर अरूबा, जैसे अब इस पेशेंट में है कि 5 years से इसको शी इज मैरिड फॉर 5 years एंड शी इज आल्सो अ केस ऑफ सब फर्टिलिटी, तो शुड वी रिमेन फोकस ऑन पीसीओ और वी कैन आल्सो डिमांड स्टेरोसल्फिनजोग्राम? शुड, शी इज अ केस ऑफ सब फर्टिलिटी। देखो सब फर्टिलिटी तो हमने उसकी ट्रीट करनी है, यही तो फर्क है कि सब फर्टिलिटी विद पीसीओ इज अनमैरिड विद पीसीओ नहीं है कि जिसने अभी फैमिली का नहीं करना। सब फर्टिलिटी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने साथ साथ एच एस ए को भी ट्रीट करना है, आपने साथ साथ ट्यूबों को भी देखना है, आपने साथ साथ उसके पीसीओ को भी देखना है, ठीक है। तो so in this case we can ask for HSG also. HSG and husband semen analysis तो बहुत जरूरी है, ठीक है। HSG मांग लो, लेप्रोस्कोपी मांग लो, वो भी अलग डिस्कशन है, ठीक। और कोई सवाल इन्वेस्टिगेशन में कुछ और ऐड करना हो तो ठीक है, गुड। चलो और मैनेजमेंट बताएं, मारिया कहाँ गई? हाँ जी, yes ma'am, from the management of the patient management se pehle, yes, investigation thodi si findings and her examination and history, yes. BMI to iska definitely zyada hai kafi, let's say her BMI is like 28 or 30 kar lete hain, theek hai।
और क्या चाहिए बाकी? थायराइड फंक्शन टेस्ट आर नॉर्मल, एल एच एफ एस एस रेशियो डेफिनेटली एल एच इज वेरी हाई, एंड बीटा एच सी जी इज नेगेटिव, ट्यूब्स आर थायराइड एंड प्रोलैक्टिन सीमेनस ओके, सब ठीक है। प्रोलैक्टिन ऑफ कोर्स थोड़ा ज्यादा है जैसे पीसीओ के अंदर होता है, जी मैम, बाकी सब ठीक है। स्कैन के ऊपर वही टिपिकल पीसीओ वाली पिक्चर है और इसकी जो एंडोमेट्रियल थिकनेस है वो 11 mm है। Now I will counsel my patient regarding the most probable diagnosis that she is having polycystic ovaries. I will tell her that this is a very common condition and it is a kind of inherited condition. It is more common if you have other people in your family having this condition, and it is kind of reversible if you manage your weight, ठीक है, if you decrease your weight at least even if 4% of there is a weight reduction and there is lifestyle modification in which if you follow good dietary habits as well as exercise, then your symptoms will improve as the different hormonal imbalance created in your body will reverse. I will manage my patient with multidisciplinary team approach in which I will involve a dietitian, me myself as a gynecologist, and I will also involve if her hirsutism is more, I don't know about her hirsutism. If it's more, then I will involve an endocrinologist as well. No hirsutism, no. Okay. Then I will tell my patient in association with the dietitian and that I will give her a diet plan that she should follow healthy diet and she should avoid chicken and starchy, sugary foods and cut on rice, and she should exercise. I will... depending upon her symptoms, if she has acanthosis nigricans and other symptoms of increased insulin resistance, then I will add glucophage to the management of my patient. I can start with 500 mg twice a day or nowadays extended release tablets of glucophage are available. Apart from that, I can add minoinositol sachet to the treatment of my patient. I will ask my patient that she should follow these lifestyle modifications for 3 months, and after 3 months I will reevaluate her condition and for her amenorrhea I will assess for the endometrial thickness and I can give her withdrawal bleeding with the hormones, that is tablet progesterone tablet, norethisterone tablets twice a day can be prescribed. And apart from that, I will consult the patient that she should follow these lifestyle modification along with these medicines. And then I will ask her to follow up for at 1 month and at 3 months. And then I will if she starts menstruating normally and her cycle returns to normal, then I can start with ovulation induction if not previously done, and then I can proceed to the dose. First I can start with clomiphene citrate and titrate the dose, do a controlled ovulation induction with ultrasound guidance. If she ovulates, then fine, or I can increase the dose and I can shift even to letrozole. And if she does not ovulate with these things, as these two medications, then I can proceed to laparoscopic ovarian drilling. And during laparoscopy, I will also assess for the status of the peritoneal cavity and tubes and ovaries. And I will then give her a leaflet and a date for follow-up. Good. So, not bad. Good. आपने बहुत अच्छा बोले. सारा प्लान आपने बहुत ही, आपको पता है इसमें एक तो चीजें मैं आपको इसको और कहते हैं ना मेकिंग इट मोर ब्यूटीफुल कर दें, अगर जब आप शुरू में बोल रहे हो कि आपने उसका वेट रिडक्शन करनी है एंड ऑल, काउंसलिंग वाज गुड,
काउंसलिंग चलो उसमें थोड़ी सी और बातें ऐड कर दो कि दिस अ कंडीशन सा हार्मोनल इंबैलेंस सॉर्ट ऑफ अ कंडीशन बिकॉज ऑफ दिस शी हैज नॉट बीन एबल टू मेंस्ट्रुएट फॉर द लास्ट 3 months एंड दिस हैज दिस इज बिकॉज ऑफ द वेट गेन एंड अगेन सॉर्ट ऑफ वो यू नो पीरियड्स जो है साथ मिस हो रहे हैं क्रिएटिंग मोर ऑफ द हार्मोनल इंबैलेंस एंड लीडिंग टू सब फर्टिलिटी बिकॉज ऑफ एन ऑब्लिगेशन. अच्छा उसके बाद जब आप बोल रहे हो आपको कि नाउ शी इज 28 शी इज मैरिड फॉर 5 years शी वॉन्ट्स टू कंसीव. अ प्लान ऑफ एक्शन जो आपने पेशेंट के सामने रखना है बिफोर यू गो हेड विद दिस यू नीड टू डिस्कस विद द पेशेंट. कुछ पेशेंट्स होते हैं वो बहुत जल्दी में होते हैं यू नो उसके हस्बैंड ने बाहर चले जाना है या उसके ऊपर सर पे तलवार लटकी हुई है. हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा आपके पास पेशेंट जरूर आते हैं वो कहते हैं कि जी उन्होंने कहा है कि अगले 2 महीनों में 4 महीनों में नई प्रेगनेंसी हो रही तो दूसरी शादी एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो यू विल डिस्कस विद द पेशेंट कि क्या आप उसे 3 महीने के लिए वेट रिडक्शन पर लगा छोड़ोगे या क्या. बट अगेन आप उस तरह बोलो बिकॉज शी इज यंग शी इज 28. अगर यही पेशेंट 35-38 की होती तो हम इतना टाइम उसका ना वेस्ट करते. So as she is 28 years, she is married for 5 years. I will discuss with her that weight reduction has a major role in conception in such cases. Weight reduction का क्या मतलब है? Excuse me. आपको exactly it's not what 4% weight reduction क्या होता है? वो नहीं इस तरह नहीं 10% weight reduction leading to 30% peripheral fat reduction leads to 90% cases of conception. अगर आप 10% 3 महीनों में रिड्यूस करोगे तो 90% चांस है कि ओविलेशन हो जाएगी. 10% वेट रिडक्शन का मतलब है कि पेरिफेरल फैट 30% कम होता है. ओवरऑल 10% वेट उसमें से रिड्यूस होता है जिसकी वजह से 90% ऑफ सच केसेस कंसीव स्पॉन्टेनियसली क्योंकि उनकी ओविलेशन बहुत अच्छी हो जाती है. तो एन ओविलेशन सीम्स टू बी द ओनली कॉज एज हर एचएस इज नॉर्मल हर ट्यूबल पेटेंसी इज देयर शी इज सो यंग. तो एन ओविलेशन सीम्स टू बी द कॉज ऑफ हर सबफर्टिलिटी which is because of the hormonal imbalance and PCO. So as she's only 28 years old, I would like to discuss with her that for she can take 3 months, which is a better option. Jo pehle aap bol rahe option, wo hamesha better option hai patient ke liye. So she can take 3 months for weight reduction. If she's not able to conceive in the next 3 months, I can give her ovulation induction for the next 3 to 6 months. If not, further, I will plan, if needed, artificial reproductive techniques. Theek hai? अब आप इस चीज को एलैबोरेट करो इंस्टेड के आप शुरू से ही वेट रिडक्शन के बाद. अब आप ये सिर्फ एक स्टेटमेंट आपने कोई 30 seconds की बोली उसके बाद आप उसको एलैबोरेट करोगे कि व्हाट डू यू मीन बाय वेट रिडक्शन. जैसे आपने इतना अच्छा हमें बताया सारा डाइट से लेके वॉक एक्सरसाइज हाइपर इंसुलिनेमिया के लिए कुछ जगहों पे जैसे हमें बेबी चैट पे भी किसी ने बताया कि ग्लूकोफेज शायद नहीं उसमें ईवीएम में उन्होंने इतनी रिकमेंड की हुई बट इवन बहुत सारी स्टडीज में है भी. सो वो आप कर सकते हो एंड देन उसको एक्सेसिव एक्सरसाइज हाउएवर ग्लूकोफेज के बगैर भी अगर एक्सेसिव एक्सरसाइज और उससे वाकई बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी आते हैं है कुछ लेटेस्ट ऐसी बात कि इतनी रिकमेंडेड नहीं है लेकिन फिर भी चलो अगर आप दे भी रहे हो इट्स नॉट वेरी रॉन्ग. सो वो और साथ में आप उसको 3 months के बाद मॉनिटर करो विद्रॉल ब्लीड. यस नंबर वन यू डोंट नीड टू से कि आई विल सी एंडोमेट्रियल थिकनेस. आप बोलो कि एंडोमेट्रियल थिकनेस इज 11 mm एंड शी इज नॉट मेंस्ट्रुएटेड फॉर द लास्ट 3 months आई विल गिव हर विद्रॉल ब्लीड. अगर आपने डिटेल बोलनी है तो वो भी बोल दो वो आपने बोल दी थी. सो उसके बाद आप उसको 3 months के लिए फर्टिलिटी डेज और बता के और ओविलेशन और फॉलिक एसिड और उसके साथ आप डिस्चार्ज करोगे डिस्चार्ज के दिन ओपीडी फॉलो. और फिर अगर 3 months में नहीं कंसीव किया तो यस ओविलेशन इंडक्शन. ओविलेशन इंडक्शन भी एग्जाम में बोलने का एक तरीका है. ओविलेशन इंडक्शन इस तरीके से आप बोलोगे कि फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर स्टार्टिंग विद क्लोमिफीन कुछ जगहों पे लेट्रोजोल जैसे किसी ने लिखा है कि फर्स्ट लाइन है पीसीओ के अंदर. यस ये है कुछ जगहों पे कि लेट्रोजोल हैज बेटर रोल देन क्लोमिफीन. लेट्रोजोल बोल दो लेकिन ज्यादा जगह पे क्लोमिफीन ही लिखा हुआ है. सो फॉर एग्जाम्पल जैसे मारिया ने क्लोमिफीन से भी स्टार्ट किया वो भी ठीक था. आई विल गिव अ क्लोमिफीन सिट्रेट फॉर द फर्स्ट 3 months इंक्रीजिंग डोज फ्रॉम 50 mg टू 100 to 150 mg from one first month to third month. Every month I will give her ovulation induction during the period days and will follow the follicle size on ultrasound or I will see for the response of the medicine every month in terms of ovulation or pregnancy. If ovulation is not occurring with the maximum dose of clomiphene then I can change the medicine to letrozole or aromec. And similarly if she's not getting pregnant
for the first 3 months, ovulation is occurring, but she's not getting pregnant despite taking clomiphene for the 3 months, then I will shift her to the other other medicine, which is the letrozole. Yani ke aapne ye kaha ki I will start with clomiphene citrate and will see the response every month in terms of ovulation or pregnancy. If ovulation is occurring, I will continue the same dose for the next 2 months and will see the response in terms of pregnancy. If pregnancy is not occurring for the first 3 months of taking clomiphene despite having good follicle size, I will change the medicine for the next 3 months. I will shift her to the letrozole and will see again the response in terms of ovulation as well as pregnancy. And if pregnancy does not occur in the 6 months of ovulation induction, then I can advise her to go for IUI as her tubal patency is fine. Laparoscopic ovarian drilling. ठीक है, बीच में एक ट्रेंड आया था कि बिल्कुल मना हो गई थी, अब फिर कुछ थोड़ा सा ऐसा ट्रेंड आया हुआ है, कुछ स्टडीज हैं जिसको फेवर करती है, बट बहुत रेयरली जरूरत होती है, पेशेंट्स ओविलेट कर जाते हैं. आप रेयर चीजों का जिक्र ही ना करो, कॉन्ट्रोवर्शियल बातों की बात ही ना करो. जो एग्जामिनर्स इसके बहुत अगेंस्ट है उन्हें वो ऑफेंड भी, ऑफेंड तो खैर क्या, दे विल डेफिनेटली आंसर, बट किसी के नापसंदीदा बात करने की जरूरत नहीं है. सो You got her HSG done or the diagnostic laparoscopy done initially and you know that the tubes are patent, तो आप उसको directly 6 महीने के बाद आप उसको IUI का offer कर सकते हो. She has been married for more than 5 years now, so you will offer her IUI. और फिर 3 और IUI में अपने patient को conceive कराई देना. अगर examiner नहीं कराता तो फिर आप देख लो कि 3 to 6 tries के बाद you can even offer her IVF. So इस तरीके से आप उसको इसका पूरा का पूरा लेकर चलोगे, ठीक है, ताकि इसका आप पीरियड्स और ओविलेशन का भी देखते रहोगे और देन हर कंसेप्शन. इस सारे में आप लोगों ने बहुत अच्छी बात ऐड की चैट पे भी और मारिया ने भी ऐड की, मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच, यस, डायबिटोलॉजिस्ट इसके अंदर एक और एक साइकोलॉजिस्ट भी ऐड कर लो, फिजिशियन भी ऐड कर लो, जस्ट टू लेट द एग्जामिनर नो दैट यू नो इट्स अ सिंड्रोम. किसी एक बंदे का यह काम नहीं है, ये पूरी टीम इज रिक्वायर्ड. इसके अंदर डिप्रेशन भी इसका एक कॉन्सिक्वेंस है, इसका मेडिकल सिंड्रोम भी एक कॉन्सिक्वेंस है, इसका ओबेसिटी एक बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंस है, और ओबेसिटी का बहुत ज्यादा इटसेल्फ एक रिलेशन है विद द डिप्रेशन, और इस वजह से पीसीओ के अंदर डिप्रेशन और लैक ऑफ स्लीप का बहुत एलिमेंट रोल इसमें शामिल है. फिजिशियन बिकॉज इसके अंदर LDL, HDL, ट्राइग्लिसराइड सारा कुछ ऊपर नीचे हो जाता है. सो एंड देन एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, ठीक है, कर लो अगर, बिकॉज इसके अंदर डायबिटीज का भी हो जाता है, एंड देन द थायरॉइड, ये सब इन्वॉल्वमेंट भी बहुत ज्यादा है. सो ये आप कर सकते हो. सो यू नीड अ टीम एंड देन यू कैन प्रोसीड द वे जैसे मारिया के पूरा लाइन ऑफ एक्शन था. तो इसका एग्जाम मैनेजमेंट सारी बहुत क्लियर है आपके माइंड में, विच इज वेरी गुड, लेकिन इसको बोलने का एक तरीका है, बोलने का ये तरीका है कि पहले काउंसलिंग, उसके बाद एक पूरा मैनेजमेंट प्लान पेशेंट के सामने रखो, देन शी विल टेल यू व्हाट शी वांट्स टू डू. नंबर वन, अकॉर्डिंग टू यू इट्स बेटर टू टेक 3 months बिकॉज शी इज यंग, शी इज ओनली 28, शी इज बीन मैरिड फॉर 5 years एंड यू नो द कॉज, यू नो दैट प्रोबेबली इस फर्टिलिटी इज बिकॉज ऑफ एन ओविलेशन एज ऑल अदर टेस्ट आर नॉर्मल एंड एन ओविलेशन इज बिकॉज ऑफ ओबेसिटी. सो यस, यू कैन टेक 3 months to reduce your weight so that you can conceive even spontaneously. और उसके इतने परसेंट करने से इतना चांस है. उसके बाद मैं क्या करूंगी, उसके बाद आपको मेडिसिन दूंगी, अगर उससे ना हुआ 6 माह तो मैं आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स पे जाऊंगी. ये स्टेटमेंट बोलने के बाद आप फिर डिटेल बोलना शुरू करोगे कि हाउ विल यू टेल हर टू रिड्यूस वेट एंड देन फर्दर एटसेट्रा एटसेट्रा. ठीक है, इनोसिटॉल का कोई रोल नहीं है, इनोसिटॉल पे कोई स्टडीज नहीं है, किसी ने कोई चीज के फेवर में नहीं बात की. और कोई चीज मैम, ये लैप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग का फिर बता दें कि वो किस तरीके से फिर कहना है. अगर एग्जामिनर कहे कि आपकी हर किस्म की ओविलेशन इंडक्शन के बावजूद नहीं हुई ओविलेशन इंडक्शन तो क्या करेंगे, फिर बोल दो कि जो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट ओवरीज होती हैं उसमें लैप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग का रोल है. दैट इज अ वेरी लास्ट रिजॉर्ट, उससे पहले बहुत कुछ ओविलेशन इंडक्शन के लिए. आपने अपना, जब आप स्टेटमेंट बोल रहे हो आपने अपनी चीज को सिंपलेस्ट रखनी है. जिस तरह मैंने कहा है कि IUI के लेवल पे जाके तो एटलीस्ट पेशेंट को प्रेग्नेंट कर ही देना ताकि बात खत्म हो, क्योंकि इस केस के अंदर अभी प्रेगनेंसी की भी बात होनी है कि प्रेगनेंसी में क्या क्या चांसेस हो सकते हैं. प्रेगनेंसी इट्स पीसीओ के बाद कंसीव की हुई जो प्रेगनेंसी है उसके अंदर डायबिटीज, GDM, PIH,
इन सब चीजों के कितने ज्यादा चांसेस होते हैं, इवन मिस्ड अबॉर्शन के कितने चांसेस होते हैं. सो इस वजह से ये जो है उसकी भी बात होनी है. तो अगर बहुत ही है तो चलो आईवीआई तक मैंने, बिकॉज फिर इसमें आईवीएफ तक जाने की जरूरत की बात ही नहीं होती, बिकॉज मोस्टली पेशेंट्स कंसीवन से ओवुलेट. डॉक्टर रूबा, वैसे ड्यूहेस्ट में भी यही लिखा हुआ है कि लैप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग इज सूटेबल फॉर द पेशेंट हु इज हैविंग रेज्ड एलएच लेवल एंड हु इज थिन बट नॉट ओबीज. ये भी एक बात है. यस, अच्छा ये पीसीओ जो है वो बहुत रेयरली, लाइक अगर के अब इसका एग्जैक्ट इंसिडेंस मुझे याद नहीं, लेस देन 10% में थिन पेशेंट्स में भी होता है. पेशेंट सिर्फ 48 kg की और उसको पीसीओ होता है, बिल्कुल होता है. उसके अंदर लिगोमेनोरिया होता है और साथ उसके अंदर यही एफएसएच एलएच रेशियो जैसे भी डॉक्टर शायदा ने बात की, और साथ में उसके अल्ट्रासाउंड पे वो 2-3 क्राइटेरिया में पूरी होती है और उसका पीसीओ होता है क्योंकि इट इज एन ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस. पीसीओ की इट्स जेनेटिक, इट्स नॉट ओनली, इट्स नॉट ऑलवेज द पेरिफेरल फैट और इट्स नॉट ऑलवेज द ओबेसिटी. ये बहुत अच्छी बात की है शायदा ने कि फिर थिन के अंदर क्या करें. थिन के अंदर वेट रिडक्शन तो और कितना करा दें. तो फिर थिन के अंदर अगर वो बहुत, अगर ओवुलेशन रिडक्शन से उसकी ओवुलेशन नहीं हो रही है तो उसके अंदर लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग का रोल बिल्कुल हो सकता है. लेकिन जो ओबीस पेशेंट्स हैं वो बड़ा अच्छा ओवुलेट कर जाती है विद द वेट रिडक्शन एंड रेगुलर पीरियड. ओजीटीटी, हाँ ओजीटीटी देखो वैसे वो 30 years के बाद रिकमेंडेड है पीसीओ में भी, 20s में इतना है नहीं रिकमेंडेड. तो खाली बीएसआरई करा लो ठीक है. गोनेडोट्रोफेंस तक बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है. एग्जाम में अपना केस खुद ही सिंपल रखना. इंडक्शन वाली कौन सी बात एक्सप्लेन करनी है, पूछ लें जिससे पूछे. डॉक्टर शायदा ने तो नहीं और कोई बात करनी थी? नो नो डॉक्टर रूबा, थैंक यू सो मच. हाँ जी मैं विश ने कुछ पूछना, आई डोंट नो इंडक्शन वाला क्या पूछना चाह रही है जी. और कुछ? सो यस, लैप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग से पहले जो गोनेडोट्रोफिन का रोल आता है ना. हाँ एग्जैक्टली, जो बहुत रेजिस्टेंट ओवरीज होंगी उसमें तो आप उसी के अंदर ही रखो लैप्रोस्कोपिक, क्योंकि आप खुद भी ऑब्जर्व करो आपके डिपार्टमेंट में कितने पेशेंट्स को ओवेरियन ड्रिलिंग की जाती है. मैम किसी को भी नहीं हुई आज तक. असल में उससे पहले की बात है, जो एक पेशेंट आई है आपने क्लोमिफेन दिया, लिज़रा दिया, फिर तीसरे नंबर पे गोनेडोट्रोफिन आता है, चौथे नंबर पे उसकी गोनेडोट्रोफिन से तो हो ही जाती है ओवुलेट. जी मैम बस उस थर्ड नंबर पे उसको रखें ऑप्शन है सर. बात ही ना करो ना, जब एग्जामिनर खुद बोले कि अब नहीं हो रही ओवुलेशन या नहीं हो रहा तो फिर ये एक आपकी लास्ट सेफ करने वाली चीज है कि चलो यू हैव समथिंग टू से. मैम एग्जामिनर कहती है बोलते जाओ, बस सिनेरियो है बोलते जाओ. मारिया ने कितना अच्छा लेके चली, द होल मैनेजमेंट वॉज वेरी नाइस और पता चल रहा था कि सब कुछ कवर करिए. लेकिन मैंने इसलिए कहा कि इसको भी बोलने का ये तरीका इसलिए कि अगर पहले बेल बज जाए तो उसने एक पूरा मैनेजमेंट प्लान जब एग्जामिनर को बताया होगा कि शी हैज कवर्ड के पहले वेट रिडक्शन, फिर ओवुलेशन रिडक्शन, फिर आईयूआई, फिर वो सब, जब एक लाइन में उसने बात बताई गई है तो बेशक बीच में बेल भी बज जाए तो एग्जामिनर नोज के ये पेशेंट को क्या लेके जा रही है. अगर वेट रिडक्शन भी बेल बज गई तो एग्जामिनर को तो नहीं पता कि आगे से ओवुलेशन इंडक्शन भी देनी थी, आईयूआई की भी बात करनी थी. इस वजह से देयर इज ऑल हमेशा पहले एक अपना एम ऑफ मैनेजमेंट बोल देना चाहिए, उस चीज को एलैबोरेट करके प्लान बताना चाहिए. ठीक है, पहले ही अगर आप एलैबोरेट करने पे लग जाओगे तो आपकी बहुत सारी चीजें शायद कन्वे ना हो सके एग्जामिनर तक. ठीक है मैम, केस को बस हम सिंपल रखेंगे ताकि एंड तक. अगर ऑन्कोलॉजी का कोई केस है और आपने उसकी सर्जरी की है और बायोप्सी भी आ गई है और आपने उसकी स्टेजिंग इंट्रोपरेटिव की, यू डोंट नीड टू आस्क एग्जामिनर की इसकी स्टेज की, आप खुद उसे 1A1 बनाओ और ठीक ठाक करके उस मरीज को घर भेज दो. एक्सेप्ट के एग्जामिनर खुद रोके, मैं बताती हूँ उसकी तो स्टेज 3 है, चलो भी लेट्स टॉक अबाउट कीमो, तो वो और चीज है. लेकिन अगर आपका केस बहुत अच्छा जा रहा है तो वो कभी नहीं रोक के आपको मुश्किल स्टेज देंगे, वो अर्ली स्टेज में नॉर फारे हो. आफ्टर विथड्रॉल भी जब वो वेट रिडक्शन करती रहेगी उसके रेगुलर हो जाएंगे पीरियड्स. ये मैं चैट से सवाल पूछ के जवाब करी, ठीक है ना. विथड्रॉल पीरियड के बाद अगर वो एक्सरसाइज करके वेट रिडक्शन करती रहेगी तो पीरियड्स रेगुलर हो जाएंगे. और जी हीरा,
मैडम एक क्वेश्चन है लेकिन वो इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, वो फिर मैं एंड में पूछूंगी बाकी सबके क्वेश्चन. मैडम एक ये प्रीवियस एग्जाम में काउंसलिंग स्टेशन था एक, उससे रिलेटेड थोड़ी सी वो हेल्प चाहिए थी कि उसमें इस तरह से था ना कि पेशेंट पैरा 3 है और उसका अलाइव इश्यू कोई नहीं है, उसके ऑल आईयूडीज एंड 7 and 8 months और लास्ट उसका आईयूडी था 1 year back. मैडम उस सिनेरियो में ये था कि अभी पेशेंट प्रेग्नेंट है 30 weeks विद पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी एंड इजेक्शन फ्रैक्शन 38. तो मैडम इसको जो हमने काउंसिल करना है उसमें हमने इसको कार्डिक रिलेटेड काउंसिल करेंगे ना, अभी की जो प्रेगनेंसी है मतलब जो प्रीवियस आईयूडीज हैं उसको हमने बीच में नहीं लाना. बहुत मुश्किल केस है ये. देखो जिस तरह से हम सारे इसके पेशेंट के लिए फील कर रहे, एग्जामिनर में भी यही, एग्जाम में भी यही एक्सप्रेशन आने चाहिए. She has suffered a lot. This patient has suffered a lot. 8वें 9वें माह में जाके उसके IUDs हो रहे हैं, number one. Number two, अब जब 30 weeks पे she's again in the same time period जब उसके IUDs हो जाते हैं, और अब तो उस बेचारी की अपनी जिंदगी खतरे में, she's having cardiomyopathy. बेबी सर्वाइव करेगा वो खुद बचे ना बचे, और ऐसी कंडीशन है कि आपने अगली दफा उसे और प्रेगनेंट होने भी नहीं देना. सो प्रॉब्लम आपकी तरफ से तो ये आखिरी बार ही प्रेगनेंट हुई है, इंशाल्लाह बचेगी तो, लेकिन उसके बाद आपने इसकी प्रेगनेंसी भी नहीं होने देनी क्योंकि अब कार्डियोमायोपैथी का यह हालत अगली दफा फिर होगा और इसमें 50% तो मोर्टेलिटी होती है. सो दिस इज अ वेरी वेरी सैड एंड वेरी डिफिकल्ट सिनेरियो एज सच. तो इसके अंदर और देन यस कॉजेज ऑफ प्रीवियस आईयूडीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके बाद आप इसको आगे जो है करोगे. मैडम काउंसलिंग में हम इसको आगे फ्यूचर की लाइफ बहुत है. जी मैडम, पेशेंट की अपनी लाइफ और मैडम एडॉप्शन का, इस तरह के पेशेंट को हम बताएंगे. अभी एडॉप्शन ही, अभी तो हमने इस बच्चे को भी बचाना है और हमने माँ को भी बचाना है. ठीक है मैडम, ये बच्चा बचना है. She has come to you, अब बच्चा भी बचना है और माँ भी बचना है. उसके बगैर ना एग्जाम में आपकी बख्शिश है ना असल जिंदगी में. सो अब पेशेंट आ गया आपके पास, बेशक प्रीवियस जो मर्जी हुआ, और अब जो पेशेंट और मदर ने बच के जाना ये बाप का है. सो आपने कार्डियक हर तरह से और उसके बेबी के लिए प्रीवियस कॉजेस ऑफ आईयूडीज देखो, अगर अनएक्सप्लेन्ड है तो यू कैन इवन प्लान अर्ली डिलीवरी. कार्डियोमायोपैथी स्टेबलाइज ऑफ कोर्स करके मदर को, फिर कार्डियोमायोपैथी का है तो वो कार्डियोमायोपैथी में हाउ यू गोइंग टू स्टेबलाइज द मदर, और फिर आप अकॉर्डिंगली प्लान करोगे. ठीक है मैडम, थैंक यू मैडम. मैम इसका इजेक्शन फ्रैक्शन 38% था तो, और मैम प्रीवियस इसकी सारी आईयूडीज थी तो हम इसे सिजेरियन ऑफर करेंगे. अभी तो नहीं करेंगे, पहले मदर को स्टेबलाइज करेंगे उसके बाद फैसला करेंगे कि करना क्या. मैडम वैसे इस तरह के पेशेंट को डिलीवर हमने 37 तक लेके जाना होता है. इसमें देखो कार्डियक पेशेंट में फॉरन डिलीवरी नहीं करनी होती, चाहे पेशेंट जितनी मर्जी खतरनाक हालत में आ जाए, पहले स्टेबलाइज करना होता है, देन वी टेक पेशेंट टू एटलीस्ट यस 37 weeks. लेकिन उसमें फिर पहले से उसे एडमिट कर लेते हैं ताकि 37 weeks पे जब डिलीवर करना है तो वो स्टेबल हो. कार्डियक में डिलीवर नॉर्मली करेंगे एपिड्यूरल के साथ या प्रीवियस ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री पे डिपेंड करता है. एंड देन यस एसवीडी इज ऑलवेज बेटर, एनाल्जेसिया कंट्रोल के साथ एपिड्यूरल. मैम चाहे जितना भी इजेक्शन फ्रैक्शन हो, मैं वो तो फिर कार्डियोलॉजिस्ट हमें बताएगा ना. ठीक है. अच्छा किसी ने फेमिला के बारे में पूछा हुआ है. बिल्कुल, अगर अनमैरिड है कंसीव नहीं करना तो जो इसके COCPs हैं और जो स्पेरोनल इलेक्ट्रॉन वाला होता है स्पेशली उसका, उसके साथ आप कर सकते हो साथ में ट्रीट स्किन वगैरह के लिए और रेगुलराइज पीरियड्स करने के लिए विद आप वेट रिडक्शन. सो PCO विद सब फर्टिलिटी और विद नॉट वॉन्ट्स टू कंसीव की फिर आप मैनेजमेंट थोड़ा सा उसमें चेंज कर दो. ठीक है, सो गुड. अब इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम होगी.